नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। भगवान ने सबको अलग अलग शक्ति प्रदान की है। जिस प्रकार रात में उल्लू दिन की तरह ही स्पष्ट देख सकते हैं, पानी पर मछलियां जीवित रह सकती हैं, चील या गरुड़ काफी ऊंची उड़ान भर सकते हैं और चमगादड़ पक्षी होने के बाद भी अंडे नहीं बल्कि बच्चे देते हैं। तो मित्रों, हमारे धरती में बसने वाले जीव चमत्कारों से भरा है। आज मैं आप लोगों को इन्हीं जीव में से एक जो जीव है खंजन पक्षी, इसके बारे में बताऊंगा, जिसके मदद से कोई भी व्यक्ति गायब होने की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। न इसमें मंत्र की जरूरत पड़ेगी, न तंत्र की जरूरत पड़ेगी, न किसी भी प्रकार के पूजा पाठ करने की जरूरत है। यह पक्षी जून और जुलाई के महीने में देखने को मिलते हैं, बाकी समय यह पक्षी गायब रहती हैं। रहती तो है हम सभी के बीच में दोस्तों, लेकिन दिखाई नहीं देते। दरअसल यह पक्षी जो है खंजन, इसके सिर पर शिखा आने के बाद यह अदृश्य हो जाती है और इस पक्षी की पहचान कुछ इस प्रकार से है। इससे आप भी गायब होने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी प्राचीन ज्ञान की जानकारी मिलती रहे, तंत्र संबंधी जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम प्राचीन से प्राचीन जो ज्ञान है, सब जानकारी आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो यह पक्षी की पहचान कुछ इस प्रकार है, यह जून और जुलाई के महीने में तालाब में और झीलों में देखने को मिलते हैं, बाकी समय में नहीं मिलेंगे। इसके पूंछ लंबी होती हैं और यह मटमैला कलर की होती हैं, हमारे वीडियो में देख लीजिए। और यह हमेशा अपने पूंछ को हिलाती रहती हैं, यही इसके पहचान है। अब मित्रों जानते हैं कि अदृश्य होने की शक्ति जो है इसे किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम इस पक्षी को किसी भी माध्यम से आप पकड़ ले, इसे मारना नहीं है, आपको इसे पकड़ करके रखना है और पिंजड़े में भरना है, पिंजड़े में कैद करना है और निरंतर इसे आपको दाना पानी खिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसे दाना पानी नहीं खिलाएंगे तो ये मर जाएंगे। जैसे ये 4 से 5 महीने हो जाएंगे, बीत जाएंगे पिंजड़े में, तो इस पक्षी के सिर पर शिखा निकलती है, जो मयूर होती है ठीक मयूर की तरह इसमें भी शिखा निकलती है। इसके सिर पर शिखा निकलती है, पक्षी अदृश्य हो जाती है। ये पिंजड़े में रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे, अदृश्य हो जाएंगे। तो आपको पिंजड़े में हाथ डाल करके इसके शिखा को ढूंढना है। इसके जैसे शिखा मिल जाएंगे तो आपको इसे काट लेना है और इस पक्षी को आपको पिंजड़े से आजाद कर देना है, क्योंकि इस पक्षी को पिंजड़े से आजाद करने के बाद फिर से इसके जो है शिखा निकाल आएंगे बाद में। अब आपको करना क्या, अदृश्य होने के लिए इसके शिखा को चांदी के ताबीज में भर करके रख लेना है। जब आपको अदृश्य होना है तो ताबीज को मुख में रखना है। आप ताबीज को मुख में रखते ही अदृश्य हो जाएंगे, ऐसा हमारे प्राचीन तंत्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है और बहुत से लोगों ने यह उपाय करके आज भी जो है हिमालय में रहने वाले संत महात्मा यह योग को अपनाते हैं, लेकिन बताते नहीं। तो अदृश्य होने की सबसे सरल आसान विधि है, इस विधि को अपना करके कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकते हैं। तो यह थे छोटी सी जानकारी, आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें।